Welcome you all once again to our channel ATF Academy Carsons, the platform realizing dreams. आज के रीजनिंग के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल वेनारिक. ठीक है, तो समझते हैं किस तरीके से ये आरेख यानी कि लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है, कैसे टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इसके बेसिक्स क्या हैं और प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे. प्रैक्टिस सेट क्या, यहीं पे आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें समझने का थोड़ा सा है, उसके बाद लगभग प्रैक्टिस ही है. ठीक है, तो चलिए. और देखिए, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है. कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चंस ना आते हो. लगभग सारे एग्जाम्स कवर होते हैं, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का. ठीक है, तो लॉजिकल वेनारिक क्या है इनको देखते हैं. देखिए, इसमें क्या है, आपको कोई भी दो से मतलब तीन चीजों का कनेक्शन दिया जाएगा, तीन या चार नॉर्मली. ठीक है, उनका आपस में क्या कनेक्शन है, इसको हमें डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होता है. यानी कि लॉजिकल वेनारिक है कि आपको अगर मैंने कोई भी चीज दो तीन नाम बोले तो उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, उनका आपस में संबंध क्या होता है, ये हमें वेन डायग्राम को देख के बताना होता है कि ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है. जैसे मान लीजिए, समझते हैं कि मैंने आपको नंबर वन, इसके कुछ डायग्राम्स हैं वो मैं आपको बना देती हूँ. कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर तीन गोले बना दिए. ठीक है, नॉर्मल ज्यादातर 90% केसेस में सर्कल बने आते हैं, गोले बने आते हैं, लेकिन हो भी सकता है कि इसी चीज को मैं ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर दूं, इस चीज को मैं वर्ग से यानी कि स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दूं, रेक्टेंगल, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. मेन चीज डायग्राम की शेप नहीं, मेन चीज ये है कि तीन अलग अलग गोले बने हैं. इसका मतलब है ये तीन अलग अलग शब्दों को रिप्रेजेंट करेंगे. यानी कोई ऐसे तीन शब्द जिनका आपस में संबंध नहीं है, यानी कि वो अलग 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 कैटेगरी से हैं, अलग 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 हैं, तो उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर वन वाला आरेख. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल, एक एक एग्जांपल हम लिखते जाएंगे. इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं. मान लीजिए मैंने आपको बोला सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी. ठीक है, यानी कि सन, मून एंड अर्थ. अब आपको अगर मान लीजिए एग्जाम में दिया गया है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, ठीक है ना, हाउ दे आर रिलेटेड विद अनदर, तो बताइए कौन से डायग्राम से. और आपको चार कोई डायग्राम दे रखे हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो ये होगा. क्यों, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, और पृथ्वी एक ग्रह है, यानी कि मतलब पृथ्वी एक ग्रह यानी प्लैनेट है. ठीक है, तो तीनों अलग अलग है, ऐसा नहीं हो सकता सूर्य चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी, सब तीनों अलग अलग अपने अपने काम है, तीनों का अलग अलग कैटेगरी है, इसलिए ये डायग्राम इसको रिप्रेजेंट करेगा. थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्या है लॉजिकल वेन डायग्राम. ठीक है, चलिए सेकंड डायग्राम को हम देखते हैं. मान लीजिए अब मैंने दूसरा एक डायग्राम आपको दे दिया ये. ठीक है, मान लीजिए इसमें एबीसी था कोई भी, अब एबीसी की जगह आ गया सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी. अब इसमें भी एबीसी है, ये डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट होगा समझते हैं. देखिए, ए के अंदर यानी ए बोला है, उस फिर ए पूरा बी के अंदर है, और ए और बी मिला के सी के अंदर है. इसका मतलब है कोई भी ऐसी तीन चीज है जो ए आएगा बी के अंतर्गत, उसके और बी और सी, वो ए और बी आएंगे सी के अंतर्गत. यानी कि ऐसी कोई तीन चीजें जो एक दूसरे की टाइप है, दूसरा तीसरे का टाइप है, इस तरीके से. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए मैंने ले लिया जिला, ठीक है, और राज्य और देश, कोई सा भी. तो एक बात बताइए, जिला हो गया, ठीक है, जिले किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के, और जिले और राज्य मिला के किसके अंतर्गत आते हैं, देश के. तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस वाले डायग्राम ने. और बहुत बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं, पहले हम एक एक एग्जांपल से एक एक डायग्राम को बेहतर तरीके से समझेंगे. ठीक है, उसके बाद आ गया मान लीजिए मैंने फिर तीसरा दे दिया ये. इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ए बी और सी. ठीक है, देखिए इससे आपको क्या समझ आ रहा होगा, ए तो पूरा पूरा अंदर है बी के, लेकिन सी जो है ना वो ए से टच हो रहा है ना वो बी से टच हो रहा है, दोनों में से कोई किसी से टच नहीं हो रहा है. इसका मतलब है कि ए तो पूरा पूरा बी के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन सी जो है वो बिल्कुल अलग है. तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोलूं, कोई भी दो चीजें एक दूसरे के अंदर, जैसे कि मैंने बोल दिया आम, फिर मैंने बोल दिया फल, ठीक है, फिर मैंने बोल दिया आलू. समझ में आया एग्जाम्पल, जैसे आम फलों के अंतर्गत आता है, यानी कि आम जो है वो एक टाइप है फ्रूट का, मैंगो, ठीक है,
और जो सी हो गया आलू रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस डायग्राम से ये तीनों बिल्कुल सही रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि आम फलों के टाइप है और ये जो आलू है वो सब्जी होता है, ना आम में आएगा ना फल में आएगा, तो वो बिल्कुल से अलग रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए अगला है डी। अगला हम देख लेते हैं, मान लीजिए हमने इस तरीके से एक डायग्राम ले लिया ए बी और सी। इसका क्या मतलब है, कुछ ए बी है और कोई बी सी नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा एक मतलब है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है लेकिन सी ए और बी में से कनेक्शन नहीं रखता है। ऐसे जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए छात्र होशियार, ठीक है, और एक ले लिया कुछ भी अलग से, हमने किसी चीज का नाम ले लिया कोई हथियार, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, देखिए कुछ छात्र होशियार होंगे और कुछ होशियार लोग छात्र होंगे, ये तो ठीक बात है ना। तो देखिए सारे छात्र होशियार हो सकते ना ही सारे होशियार लोग छात्र हो सकते, लेकिन कुछ तो होंगे। और हथियार भी अलग हो गया, हथियार ले लो किसी भी एक अलग चीज का नाम जो इन दोनों से संबंधित ना हो। भाई ना तो हथियार छात्र होंगे और ना ही हथियार होशियार होंगे, ये एक अलग ही कैटेगरी आ गई। ये हम बात कर रहे हैं लिविंग्स की और ये हथियार आ गया नॉन लिविंग में, तो इसको ये वाले डायग्राम को ये चारों रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट अगला ले लेते हैं। और कौन सा डायग्राम इसमें होता है, चार हो चुके हैं हमारे डायग्राम्स और उसके बाद फिफ्थ है। फिफ्थ को देखते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया ये ए बी सी। अब आपको यहां क्या दिख रहा होगा, कुछ ए बी है कुछ बी ए है, कुछ बी सी है कुछ सी बी है, कुछ सी ए है और कुछ ए सी है, यानी कि तीनों ही चीजें एक दूसरे से कुछ कुछ भाग उनका कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि देखिए इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने बोल दिया टीचर गायक लेखक। ठीक है, तो देखिए समझ में आया होगा किस तरीके से हम इसको करेंगे। टीचर गायक लेखक, देखिए टीचर और गायक और लेखक, जो सिंगर है वो कोई भी हो सकता है भाई, सिंगर सिंगिंग जो है वो शौक के तौर पे भी की जाती है। एक टीचर एक लेखक भी हो सकता है, वो लिख भी सकता है, एक लेखक टीचर भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि दुनिया में सभी टीचर गायक हैं, ना ये कह सकते सभी गायक टीचर हैं, लेकिन ऐसा आपको जरूर कुछ जरूर मिलेंगे। ना ये कह सकते कि सभी गायक लेखक हैं और ना ये कहा जा सकता कि सभी लेखक गायक हैं, लेकिन कुछ कुछ आपको प्रोफेशन बिल्कुल मिलेंगे कि कुछ लेखक गायक हैं कुछ गायक लेखक हैं, यानी तीनों में पूरा पूरा ना सही थोड़ा थोड़ा कनेक्शन आपको जरूर मिलेगा, तो इस डायग्राम को यही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब सिक्स वाले फिगर पे आते हैं नेक्स्ट पे, तो वो हो जाएगा ये। देखो इसको बहुत अच्छे से समझना, इसका मतलब हो गया ए बी सी, कुछ ए बी है कुछ बी ए है, कुछ बी सी है और कुछ सी बी है, लेकिन यहां पे एक चीज देखिए, ए का गोला ये रहा और सी का गोला ये रहा, ना तो ए सी से टच हो रहा ना सी ए से, यानी कि बी तो दोनों के लिए कॉमन है, बी सी से भी कनेक्टेड है ए से भी कनेक्टेड है, लेकिन ए और सी अलग अलग हैं, यानी कुछ ए बी है कुछ बी सी है लेकिन ए और सी अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए मैंने बोल दिया सामान यात्री जहाज। ठीक है, अब देखिए सामान यात्री और जहाज में अगर आप कनेक्शन की बात करेंगे तो आपको कनेक्शन इसमें क्या मिलेगा कि जहाज में सामान भी जाता है जहाज में यात्री भी जाते हैं, यानी कि जो जहाज है वो दोनों से कनेक्टेड है, यात्रियों से भी और सामान से भी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सामान यात्री है या यात्री सामान है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी अगर हमने एक में रख दिया जहाज बीच वाले में आएगा जब भी, एक तरफ सामान एक तरफ यात्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं अगला। ठीक है, इसमें देखिए ए बी सी इसमें कैसे कनेक्टेड होते हैं, ए बी और सी, पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंतर्गत आता है, ए जो है वो पूरा बी के अंदर है और बी कुछ ए और कुछ बी मिला के सी है,
तो पूरा ए बी के अंदर है और कुछ बी और ए और बी जो है वो सी है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि आपको ए बी और सी में, ए तो पूरा बी के अंदर है लेकिन कुछ ए और कुछ बी दोनों ही सी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया माँ महिला डॉक्टर। ठीक है, देखिए माँ महिला डॉक्टर का मतलब हो गया, आप समझिए यहाँ पे कि मान लीजिए मैंने ए वाले की जगह रख दिया माँ। अब देखिए कोई अगर माँ है तो ये तो कंफर्म है वो महिला होगी, फीमेल के कैटेगरी में आएगी। तो पूरी जो माएं हैं वो महिलाएं हैं, यानी पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। कुछ ए और कुछ बी सी है। अब देखिए कुछ माँ और कुछ महिलाएं, भाई जरूर डॉक्टर होंगी ना, तो कुछ माँ और कुछ महिलाएं डॉक्टर होती है, बिल्कुल सही है। तो हमने कुछ कुछ दोनों में से सी से कनेक्ट कर दिया, इसका जो इसका डायग्राम होगा वो ये बनेगा। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें, और ठीक है अगला डायग्राम अगर हम लेंगे नाइन्थ। अब इस वाले और इस वाले डायग्राम में जरा थोड़ा फर्क समझिएगा। अभी जो पिछला वाला डायग्राम था उसमें ए पूरा बी के अंदर था और ए और बी को मिला के सी हम कट करके कुछ कुछ बनाए थे, लेकिन यहाँ पे जरा आप गौर करिएगा, यहाँ पे जो सी है वो ए के गोले से टच नहीं है, वो केवल कौन से वाले गोले से टच है, बाहर वाले सर्कल से। ठीक है, तो इसका जो एक एग्जाम्पल मैं बता सकती हूँ आपको वो देखिए, मान लीजिए मैंने बोला शाकाहारी, ठीक है, गाय, ठीक है, और मांसाहारी। ठीक है, चलिए अब यहां पे समझिए शाकाहारी, गाय और मांसाहारी। अब यहां आप एक चीज समझिए, जो गाय है वो पूरी तरीके से शाकाहारी होगी, कंफर्म है। ठीक है, तो गाय जो है वो क्या है, शाकाहारी है, कंफर्म है पूरी तरीके से। लेकिन जो कुछ शाकाहारी लोग हैं वो कुछ मांसाहारी भी होते हैं, और कुछ मांसाहारी हैं वो शाकाहारी भी होते हैं, और उन्हें मिला के बोला जाता है सर्वाहारी। ठीक है ना, ओमनीवोरस। ये तो हो गया हर्बीवोरस, ये हो गया कार्निवोरस, और वो होते हैं ओमनीवोरस। तो यहाँ पे इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, चलिए अगले में देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखिए, ए बी सी। ये डायग्राम आपसे क्या कह रहा है, ये डायग्राम आपसे बोल रहा है कि कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, और सी जो है वो कॉमन वाला जो हिस्सा है ए और बी का पूरी तरीके से उसके अंदर है। जैसे कि अगर हमने बोल दिया, मान लीजिए शेप सेम ये ले लेते हैं, शाकाहारी मत लीजिए, ये सेम हो जाएगा का एग्जाम्पल। अगला देखते हैं, देखिए जलचर यानी कि एक्वेटिक, जिन्हें बोलते हैं एक्वेटिक, ठीक है, जल में रहने वाले प्राणी वो जलचर, ठीक है, थलचर यानी कि वो जीव, ठीक है, वो लिविंग्स जो अर्थ पे यानी कि थल पे रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हो गया मेंढक, जो एक उभयचर कहलाता है एम्फीबियन। ठीक है, तो यहां एक बात समझिए, कुछ जो एक्वेटिक्स होते हैं वो ये थलचर भी होते हैं, ठीक है, कुछ थलचर जो होते हैं वो जलचर भी होते हैं। और यहाँ इसका मतलब ये जो एक मान लीजिए गोला हो गया जलचर का, एक्वाटिक्स का, एक हो गया अर्थ वालों का, ठीक है, लिविंग ऑन लैंड, ठीक है, जो लैंड पर रहते हैं, और जो एक्वाटिक है जो जल में रहते हैं। और इसका जो कॉमन भाग है ये कौन सा बन गया भाई, जो जल में रहने वाले हैं और जो थल में रहने वाले हैं, और ऐसों को क्या कहा जाता है, उभयचर यानी कि एम्फीबियन। द लिविंग्स लिव्स ऑन लैंड एंड वॉटर बोथ इज कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड एम्फीबियंस, उभयचर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है, मेंढक है, उभयचर प्राणी है, तो मेंढक भाई इसी कॉमन वाले के तो अंदर आएगा ना, वो पूरा जलचर में ना वो थलचर में, वो केवल आएगा बीच में उभयचर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा बच गया, कोई डायग्राम अभी आपका मिस हो रहा है क्या? हाँ अभी तो शायद, क्योंकि 11 या 12 डायग्राम जनरली मैं जो है वो बनवाती हूँ, और वो होते हैं कोई एक सा रह चुका है। कौन कौन से हमने कंप्लीट कर चुके हैं एक बार हम देखते हैं, हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया, हमने ये कंप्लीट कर लिया, है ना, हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया,
और हमने ये भी कंप्लीट किया, हमने ये भी कंप्लीट किया, ठीक है। और बाकी तो हमारे सामने जो हमने ये वाला भी कंप्लीट कर लिया और एक दो हमारे सामने है ही, ठीक है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और हम कौन कौन से कंप्लीट कर चुके हैं, अलग वाले हो गए, कंप्लीट वाले हो गए, दो हो गए, एक को करके हो गया, ठीक है। ओके, एक हम ये वाला भी कर चुके हैं, कॉमन वाला, ठीक है, इससे इसका मतलब नहीं है, ये हो गए, ठीक। अब कौन सा डायग्राम बच रहा है, जस्ट वेट, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। दो डायग्राम देखिए जो बच रहे हैं, बिल्कुल अभी देख के याद आ गया, वो ये है, ठीक है। चलिए, जो डायग्राम है एक सबसे मेन वाला, बहुत पता नहीं कैसे माइंड से स्लिप हो रहा था, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, पूरा ए बी सी, ए के अंतर्गत पूरा बी और सी है, ठीक है, लेकिन बी ए नहीं, वो सॉरी बी सी नहीं है और सी बी नहीं है, यानी कि बी और सी एक दूसरे से अलग अलग है। जैसा कि अगर आपको बोला जाए कि मान लीजिए मैंने बोल दिया फल केला आम, तो देखिए केला आम नहीं होता, आम केला नहीं होता, लेकिन दोनों आते तो फलों के अंतर्गत है, पूर्ण रूप से कंप्लीटली दे आर द कैटेगरी ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए और आते किसके अंतर्गत है, फल, तो इसका हो गया ये। और नेक्स्ट डायग्राम जो हमारा बच रहा है वो एक आ गया ये, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें ये दोनों अलग थे, इसमें ये दोनों भी रिलेशन है में है और कंप्लीट मिला के किसके अंतर्गत है, ए, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया चोर, ठीक है ना, अपराधी, ठीक है, लुटेरे। अब मान लीजिए देखिए, चोर एक अलग शब्द है, मतलब है तो अपराधी की कैटेगरी में आता है, लुटेरे, किडनैपर्स, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये तो कंफर्म है कि चोर और लुटेरे जो है आते अपराधियों के अंतर्गत है। अब हो सकता है देखो भाई, कोई कोई तो चोरी छुपे चोरी करता है कि भाई जब सब सो गए हैं और तब हमें चुरा के लेके आना, एक है बिल्कुल कनपट्टी पे गन रखी और भाई लूट के ले गए, तो अलग अलग सबके लिए इंग्लिश हिंदी डेफिनेशन सबकी अलग अलग है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि चोर लुटेरा नहीं हो सकता है, लुटेरा चोर नहीं हो सकता, टाइम टाइम की बात है, ज्यादा कमी है, तो भाई कोई एक दूसरे का प्रोफेशन ले सकता है। तो सिंपल सी चीज हो गई, कुछ चोर लुटेरे हैं, कुछ लुटेरे चोर हैं और बाकी जो है वो है तो अपराधी की ही कैटेगरी में। तो ये हो गए आपके बेसिकली 12 ऐसे डायग्राम्स, जिनसे अब देखिए मैंने सबको लेके एक एक बताया, अब एक से हजारों एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो एग्जाम में आपसे किसी भी तीन शब्द को देखे चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मान लीजिए ये दिया जाए हमें ये वाला, और ये चार ऑप्शन दे दिए जाए, तो हमें पहले देखना है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, माइंड में तुरंत इनका रिलेशन सोच के वो डायग्राम, हमारा जो रिलेशन है कौन सा डायग्राम उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें आंसर कर देना है, ठीक है। तो ये थे लॉजिकल वेन डायग्राम के टाइप्स, अलग 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 कितने टाइप्स के इसमें डायग्राम, नॉर्मल मेरे ख्याल से ये जितने भी हो सकते थे पॉसिबल वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी की बिल्कुल बहुत प्रीवियस ईयर या जितने भी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे बनते हैं वो सारे हम कम से कम 50-60 क्वेश्चंस को अगले लेक्चर में कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। अभी ये बेसिक था बिल्कुल, जिनने अभी तक वेन डायग्राम नहीं पढ़ा है उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, इसके बाद उनको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।